सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि कांवड़ियों के बीच मुस्लिम दंपत्ति गाड़ी लेकर पहुंच गए, जिसके बाद कांवड़ियों ने मुस्लिम व्यक्ति की गाड़ी को पलट दिया और मारपीट की। सुदर्शन न्यूज से जुड़े सागर कुमार ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। अगर आप ऑल्ट न्यूज रेगुलर रूप से फॉलो करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि सागर कुमार अक्सर घटनाओं को झूठा सांप्रदायिक एंगल देते हुए पाए गए हैं। द क्विंट और जी सलाम ने भी गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को मुस्लिम बताते हुए खबर चलाई। तो क्या वाकई में गाड़ी चलाने वाला ये आदमी मुस्लिम है? वीडियो में एक फ्रेम पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। इसे सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये गाड़ी प्रताप सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। आगे ऑल्ट न्यूज ने वायरल वीडियो के संदर्भ में उत्तराखंड पुलिस से बात की, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा था। उन्होंने बताया कि ये घटना हरिद्वार के मंगलोर थाना क्षेत्र में हुई थी। इस जानकारी के आधार पर हमने मंगलोर के SHO से बात की। उन्होंने कहा कि मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है और ये गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का नाम प्रताप सिंह है। वहीं सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर संज्ञान लेते हुए SSP हरिद्वार अजय सिंह ने ये कहा, एक सप्ताह से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु विभिन्न प्रांतों से आते हैं और अपने गंतव्य को जाते हैं। इसी दौरान दो दिन पूर्व जो है मंगलौर कस्बा जो हरिद्वार के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां पर एक लोकल निवासी है प्रताप सिंह, वो अपनी कार से जा रहे थे, तो टिकोला गांव के रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो है वहां पर एक कांवड़ रखी हुई थी, जो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण खंडित हो गई। वहां पर आपस में बातचीत में बहसबाजी के दौरान वहां उत्तेजना में कुछ कांवड़िये जो वहां मौजूद थे उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी और पलट दिया था। जबकि यह घटना मात्र एक संयोग थी, दोनों पक्ष जो कांवड़िये थे और जो बाजी जो हमारे प्रताप सिंह जो यहाँ के निवासी रहने वाले, वो भी हिंदू थे और उनके द्वारा भी इस मामले में तहरीर दी गई थी थाने पर, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। साथ ही साथ दो लोग को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिनको शांति भंग में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष और आवश्यक कार्रवाई की गई। CCTV फुटेज के माध्यम से भी हमने ऐसे पाप जो वहां मचा रहे थे उनकी चिन्हित करके आगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विगत एक दिवस से देखा जा रहा है कि उस जो घटना हुई थी, जो मात्र एक संयोग थी, छोटी सी घटना हो गई थी, उसको अन्य तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग द्वारा सांप्रदायिक कमेंट किया जा रहा है, विभिन्न धर्म जाति को लेकर इसमें उसको तूल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों पक्ष जो हिंदू पक्ष थे, लेकिन फिर भी इस छोटी घटना को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए इसको प्रसारित किया गया और साथ ही साथ उसमें कमेंट भी ऐसे लिखे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तेजना और विभिन्न जाति धर्मों में द्वेष पैदा करते हैं। इसके आधार पर आज थाना मंगलौर में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है 153 का के तहत। मेरी अपील है सभी से, जो ऐसे सांप्रदायिक कमेंट कर रहे हैं या पूरी घटना की सत्यता को नहीं जानते हैं, वह जान लें और इसके बाद अपने ऐसी पोस्ट को डिलीट कर दें जो सांप्रदायिकता और माहौल बिगाड़ने का कोशिश होगी, नहीं तो इस पर सभी के विरुद्ध जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने प्रताप सिंह से भी बात की। उन्होंने कहा कि वो मंडी में खाना खाने के लिए रुके थे, इस दौरान उन्होंने गाड़ी पार्क की और खाना भी गाड़ी में ही मंगवा लिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त गाड़ी के सामने वाली जगह खाली थी, लेकिन जब वो खाना खाकर निकलने लगे तो उनकी गाड़ी कांवड़ पर चढ़ गई। इस बात से नाराज होकर कांवड़िये इकट्ठा हो गए और मारपीट करने लगे। गाड़ी में उनके साथ मुस्लिम महिला बैठी थी, जिसे देखकर कांवड़ियों ने कहा कि ये मुसलमान है, इसे मारो। प्रताप सिंह ने कांवड़ियों को काफी समझाया, लेकिन वो नहीं माने और धक्का मुक्की कर गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। इसके बाद किसी लोकल व्यक्ति ने प्रताप सिंह को अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन तक छोड़ा। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि वीडियो में दिख रही बुरके वाली महिला भाजपा की पदाधिकारी है और वो उन्हीं के काम से गए हुए थे। हालांकि उन्होंने महिला की पहचान जारी न करने से मना किया। उन्होंने कहा कि वो भी BJP से जुड़े हुए हैं और जिस वक्त ये हादसा हुआ वो RSS के टोपी पहने थे। यानी वीडियो में कांवड़िये जिस व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं वो असल में मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। इस शख्स का नाम प्रताप सिंह है और वो हिंदू है।